बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी यूके के अंदर जो है वो कुक के रिलेटेड जो है शेफ़ जो हैं, जो शेफ़ हैं जो पाकिस्तानी इंडियन कढ़ाइयाँ बना सकते हैं, हांडियाँ बना सकते हैं, डिशेस बना सकते हैं। आज हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। यूके के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके वहाँ पर होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनको कुक चाहिए। तो ज़्यादा आजकल एक बात और मैं बताऊँ वीडियो में कि आजकल ज़्यादा हम काम जो है वर्क परमिट का वो यूके के लिए कर रहे हैं। यूके में जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशन की शार्टेज है। जिन लोगों को तो काम काज की स्किल है उनके परमिट जो हैं वो अच्छे परमिट मिल जाते हैं जिन लोगों के पास स्किल हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो शेफ़ के रिलेटेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें जो है मेल हज़रात चाहिए इस काम के लिए। इस काम के लिए हमारे वहाँ पे यूके में जो रेस्टोरेंट्स हैं हमारे क्लाइंट के, तो उनको जो है वो मेल हज़रात चाहिए। उनके पास एक्सपर्टी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन ये हांडियाँ कढ़ाइयाँ डिशेज ये बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो हमें चाहिए तकरीबन 15 बंदे हमें उसके लिए चाहिए जी। हमारे वहाँ पे जो क्लाइंट हैं उनके मुख्तलिफ सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, लंदन वगैरह में सराउंडिंग में। तो वहाँ के लिए उनको जो है वो 15 की तादाद में हमें शेफ चाहिए, है नहीं? तो जो हजरात भी इंटरेस्टेड हैं वो अर्जेंटली हमसे हफ्ता 10 दिन के, ये डिमांड तकरीबन 15 दिन हमारे पास चलेगी। तो उसमें जो है जो भी हजरात इंटरेस्टेड हैं वो हमसे रब्ता करें। और अगेन वही चीज़ है कि इसमें जो है ये वाला इंग्लिश टेस्ट है वो कंपलसरी है। जिस बंदे के पास मास्टर तालीम है या 4 ईयर का बैचलर है तो उसको आइल्स नहीं चाहिए। उसका वो एक नैरिक के नाम का सर्टिफिकेट है वो उसको मिल जाता है। कोई 350 पाउंड उसकी फ़ीस है वो उसका हो जाएगा। जिसके पास ये तालीम इतनी नहीं है तो उसके लिए जो है वो आइल्स उसको B1 करना है। B1 यूके भी आए आइल्स उसको, या PTE है, लैंग्वेज सर्ट है, ये B1 लेवल जो है वो होना इनका ज़रूरी है। तो अगेन वही चीज़ कि अगर जो हज़रात पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी, और अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, दूसरे कंट्रीज़ में हैं, UAE में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर वगैरह के भी अंदर जो हजरात हैं वो अगर वहाँ से भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहाँ से भी उनके पास उनको हम वहाँ पर कंपनी का इंटरव्यू जो है, कंपनी इंटरव्यू लेगी, ठीक है, जो उनकी टीम है रिक्रूटमेंट की वो वहाँ से इंटरव्यू लेगी। तो जो हजरात वहाँ से भी प्रोसेस करना चाहें उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। उनको वहाँ पर पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए, और इसी तरह उनको जो कंपनी जिसमें काम कर रहे हैं उनका NOC होना चाहिए। तो ये बंदे भी हमें अर्जेंटली चाहिए। जो भी हजरात इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ जो है हमारे ऑफिस से रब्ता करें। ये गुजरखान भी ऑफिस है हमारा और पिंडी में भी ऑफिस है। तो जो भी हजरात इसको के लिए शेफ़ के लिए करना चाहते हैं और वो काम जानते हैं ये वाला, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए जी। अगैन वही चीज़ है यूके के अंदर जो हमें ये कुक चाहिए इसमें कोई उनकी डिग्री फलाफना, अगर किसी ने किया हुआ है कहीं से कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है जी, तो वहाँ से वो बेहतर है। लेकिन मेन चीज़ उनको काम आना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा उसके रिलेटेड अगर नहीं भी है तो कोई मामला नहीं है। मेन चीज़ जो है वो उनको कुकिंग का काम आना चाहिए। तो जो भी हजरात इसमें इंटरेस्टेड हैं जी वो हमसे रब्ता करें, हम उनके लिए जो है इंशाल्लाह ये वाला प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का यूके के लिए है वर्क परमिट का वो इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।